हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। जैसे कि सीज़न 19 आ चुका है और ये सीज़न 19 का मेरा दूसरा गेम है, दूसरा गेम प्ले है। तो सैनहॉक में ये मैप जो है वो सैनहॉक का सिलेक्टेड है। इसमें यहाँ पे लग तो मेरा कोई और भी बंदे उतरे होंगे। चलो जल्दी से हथियार वगैरह देखते हैं। अभी तक कोई हथियार नहीं मिला मुझे, कोई गन वगैरह कुछ भी नहीं मिली। डीबीएस मिली एक। डीबीएस भी बढ़िया गन है, बस एक शॉट काफी। डीबीएस का एक एम भी नहीं मिली, एक एम मिली है अभी। ऐसे यहाँ कोई बंदे लग नहीं रहे हैं, जो बंदे होंगे ना कोई फुट स्टेप्स आ रहा है ना कोई आवाज आ रही है। न्यू अपडेट आने के बाद में वैसे ठीक है, कुछ नया जैसे गॉडजिला एंड किंग कॉन्ग मेरे के सामने, किंग कॉन्ग बाबा है गुस्से में। बट इसमें एक ही चीज़ मेरे को ठीक नहीं लगती है, बार बार जैसे चिल्लाता है तो थोड़ा इरिटेटिंग सा लगता है। तो सबकी अपनी अपनी पसंद है। ये तो बोर्ड था शायद, क्योंकि मैं बिल्कुल ओपन में था, ये आराम से मार सकता था मुझे। और तो कोई नहीं है इसके साथ ही यहाँ पर। मैं ये गेम वन प्लस 70 प्रो में खेल रहा हूँ। बस इसमें एक ही दिक्कत रहती है, रिकॉर्डिंग करते टाइम फोन काफ़ी हीट होता है इसमें। बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है फोन रिकॉर्डिंग कर, स्क्रीन रिकॉर्ड करते टाइम गेम के साथ साथ। पैरों की आवाज़ आ रही है। अच्छा, सामने वाले घर में बंदा है जा रहा है, इसे पता नहीं था मैं यहाँ पे हूँ और दीवार के पीछे छुपा हुआ था। जैसे ही सामने आया मैंने इसके इसके ऊपर फायर किया। अब इसके और कोई इसके टीममेट्स यहाँ लगते नहीं है मेरे को, इसके टीममेट्स यहाँ पे हैं। होते तो शायद कुछ आवाज आती पैरों की। मर गया वो। कहाँ गई पेटी इसकी? अरे ये रहा, ये रहा। M416 मिल गई। यहाँ तो कोई और बंदे लगते नहीं है, चलो आगे चलता हूँ। सामने तो कोई नहीं है, देखना जरूरी है, भरोसा नहीं कहाँ कौन एनिमी बैठा हो ताक में कि कब बाहर निकले कोई और कब
टायर को, यहाँ पे पैरों की आवाज आ रही है, बंदा है यहाँ पे। वो है उस घर में सामने। मैंने नेड किया था कि वो बंदा वहां पे आएगा तो नेड से उठ जाएगा, लेकिन प्लान फेल हो गया, वो आया ही नहीं उधर। इसकी हरकतें बोट जैसी लग रही है, क्योंकि इसके पास गन है लेकिन ये गन लेके नहीं घूम रहा, बस हाथ में इसने वो कटार सी जो है वो ले रखी है। अभी इतने प्रो प्लेयर नहीं है यार, बोट वोट आ जाते हैं मार लेता है। चलो देखते हैं इसकी पेटी में क्या है इसके पास। रिक्शा चला के देखते हैं आज। ये रिक्शा इतना धीरे चल रहा है, अभी कोई दूसरी गाड़ी लेके एनिमी अगर आ जाए तो आराम से फेल दे। देख लेते हैं एक बार आगे पीछे, कोई तो नहीं बंदा, अगर कोई नहीं है, इधर भी कोई नहीं है। पिंकॉन्ग रहा है, आगे बड़ी सी नदी आएगी, करना पड़ेगा। देख लेते हैं एक बार चारों तरफ, कोई है तो नहीं, देखना जरूरी है यार, क्या पता मैं तैर रहा हूँ और पीछे से फिर कोई गोली वोली मार दे। अभी इतनी ज्यादा प्रो प्लेयर नहीं है ना कि सिचुएशंस को संभाल लिया जाए, तो फ्यूज भी किया गया काम की। सावधानी घटी, दुर्घटना घटी। कोई नहीं है, नदी ज्यादा गहरी नहीं है यार, तैरने की जरूरत नहीं पड़ी। रहते चलेंगे, थोड़ा मस्त होता है, ओपन में चलना रिस्की हो सकता है। गन चेंज कर लेते हैं यहाँ पे, इधर से चलते हैं।
मेरा यूज़ कर वन बंदे ऊंचे हुए हैं अभी। थर्टी फाइव बंदे बचे हैं इसमें, एक मैं हूँ। 34, 33, 32, फटाफट जा रहे हैं सब। 32 में एक मैं हूँ तो 31 बचे हैं, 31 है तो 30 बंदे और बचे हैं। 29 देखते हैं यार, इतनी दूर आ गया, कोई बंदा नहीं मिला मेरे को अभी तक। मैं कहाँ से आ रहा हूँ सर? आगे चला जाए। आगे थोड़ा बंदा यही कहीं होना चाहिए आसपास। बुरे बुरे ए यार, हल्का सा दिखा था बस। कहाँ गया तुम बिल्ली? बहुत जल्दी पार हो गया। पड़ी तो सही उसके, लेकिन ढंग से नहीं पड़ी। एम थोड़ा सा ठीक नहीं गया मेरा। सैनोक में एक चीज ठीक लगती है कि बस आप
जोन को आराम से पार कर लेते हैं, दौड़ के भी जोन से आगे निकल सकते हैं। अभी जैसे ये जोन मेरे से आगे निकल गया, अभी मैं, मेरे पास कोई व्हीकल नहीं है, बस मैं भाग रहा हूँ और अभी इस जोन से आगे निकल रहा हूँ। थोड़ा सा एम ठीक होता है ना तो बंदा नॉकआउट हो जाता। हेल्थ लेता हूँ जल्दी से। कवर में रहना जरूरी है, अभी 5 बंदे बचे हुए हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं जो होगा देखा जाएगा। ये भाई साहब, इनको पता ही नहीं कि मैं पीछे से आ रहा हूँ, इसको मालूम ही नहीं कि मैं आ रहा हूँ पीछे से, वो चला ही जा रहा है अपनी धुन में। नॉकआउट तो मैंने कर दिया है, बट लगता है वो रिवाइव कर देगा उसका टीममेट, उसको दिख भी नहीं रहा। हेल्थ लेता हूँ पहले तो। पांच बंदे बचे हैं तो मेरे को छोड़ के 4 बंदे बचे हैं। आगे चल के देखते हैं, पैन किलर ले लेता पहले। दो बंदे और बचे हैं मेरे अलावा, अभी एक ही बचा है। ये लो 7 किल में।